हाय गाइस, मेरा नाम है वंदिता वशिष्ठ एंड वेलकम बैक टू 91 मोबाइल्स। तो आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन सैमसंग गैलेक्सी M21 एंड रियलमी 6। तो दोनों ही फोन काफी पावरफुल हैं और बात स्टार्ट करते हैं दोनों के डिजाइन और डिस्प्ले से। तो सैमसंग गैलेक्सी M21 के अगर हम डिजाइन की बात करें तो 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको फोन में देखने को मिलेगी। जी हाँ, इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, द फेमस सैमसंग की इन्फिनिटी यू डिस्प्ले आप देख सकते हैं और सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है विद गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। फोन में आप देख सकते हैं कि बेजल्स काफी कम है, हालांकि नीचे हल्की सी चिन आपको जरूर देखने को मिलेगी। अब फोन के अगर हम बैक पैनल पर आए तो आप देख सकते हैं कि पॉलीकार्बोनेट डिजाइन है, लेकिन जो आप देख रहे हैं कि ग्लॉसी फिनिश है तो फोन को काफी अच्छा डिजाइन दिया गया है। फोन में आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है बैक पैनल पर और ट्रिपल कैमरा सेटअप है। तो कैमरा मॉड्यूल भी आप देख रहे हैं जो रेगुलर सैमसंग के फोन है वैसा ही कैमरा मॉड्यूल है। सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, 3.5 mm का ऑडियो जैक है और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये रही आपकी स्पीकर ग्रिल। फोन की अगर हम बात करें साइड में तो आप देख सकते हैं कि पावर बटन है और वॉल्यूम रॉकर कीज दी गई है। अब करते हैं रियलमी 6 के डिजाइन की बात। रियलमी 6 में आपको दी गई है 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, पंच होल डिजाइन है। तो पंच होल में आपको आप देख रहे हैं आपका सेल्फी कैमरा दिख रहा है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है, बेजल्स यहां पर भी काफी कम है, चिन हल्की सी हालांकि यहां भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग डिस्प्ले के बारे में ये है कि 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। इस प्राइस पर आपको 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दे रही है रियलमी, तो इस फोन को अलग ही लीग में लाकर खड़ा कर देता है रियलमी। और बैक पैनल पर आएंगे तो वही पॉलीकार्बोनेट की कंस्ट्रक्शन है। कलर्स जो है इंटरेस्टिंग है क्योंकि रियलमी ने काफी अच्छे अच्छे कलर्स दिए हैं आपको और आप देख सकते हैं कि वर्टिकल मॉड्यूल में इसका कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल रहा है, क्वाड कैमरा सेटअप है। साइड में आप देखेंगे कि फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जी हाँ, इंटीग्रेट किया गया है इसे पावर बटन के साथ। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वॉल्यूम रॉकर कीज है और सिम ट्रे है। नीचे के साइड आप देख सकते हैं कि टाइप सी पोर्ट दिया गया है, 3.5 mm का ऑडियो जैक है और आपकी स्पीकर ग्रिल है। तो ये है रियलमी 6 का डिजाइन और आप डिजाइन के मामले में देख सकते हैं तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि सैमसंग आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है लेकिन रियलमी आपको 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दे रहा है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आपकी जरूरत के हिसाब से दोनों में से कौन सा जो है बेटर लग रहा है। और अब चलते हैं दोनों के बाकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ। अब बात करते हैं दोनों फोन्स के रैम और रोम की। तो सैमसंग गैलेक्सी M21 में आपको देखने को मिलेगा एक्सिनोइस 9611 का चिपसेट, वहीं एंड्रॉइड 10 पर फोन ऑपरेट करेगा विद द लेयरिंग ऑफ सैमसंग वन यूआई 2.0। फोन के अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूं तो 4 और 6 GB रैम के दो वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। 4 GB रैम के वेरिएंट में आपको 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, वहीं 6 GB रैम के वेरिएंट में आपको 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। Realme 6 पर आए तो आपको MediaTek Helio G90T का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि स्पेशली गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं Android 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है विद अ लेयरिंग ऑफ Realme UI। वेरिएंट्स की अगर यहां बात करें तो 4, 6 और 8 GB रैम के तीन वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। 4 GB रैम के वेरिएंट के साथ आपको देखने को मिलेगा 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, वहीं 6 और 8 GB रैम के साथ आपको देखने को मिलेगी 128 GB की इंटरनल स्टोरेज। आप दोनों ही फोन्स में जो आपकी स्टोरेज है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, तो दोनों फोन्स में ये ऑप्शन दिया गया है। और अब चलते हैं दोनों फोन्स के कैमरा सेटअप की तरफ। अब बात करते हैं कैमरा सेक्शन की। तो आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 में दिया गया है 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, काफ़ी अच्छा सेंसर दिया गया है। सैमसंग के सेंसर्स वैसे भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं यूजुअली। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। फोन में आप देख सकते हैं लाइव फोकस का भी ऑप्शन है, तो काफी फोकस्ड आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। सुपर स्टडी मोड भी दिया गया है, तो इफ योर हैंड इज शेकिंग यू नीड नॉट वरी। वीडियोस की बात करें तो 4K में आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी दिया गया है एंड दिस इज अमेजिंग क्वालिटी। सेल्फी वीडियोज की अगर हम बात करें तो फुल HD में आप सेल्फी वीडियोज बना सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं रियलमी के कैमरा की तरफ। रियलमी के कैमरा सेटअप की अगर हम बात करेंगे तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, तो 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस से आप देख रहे हैं कि शटर स्पीड काफी अच्छी है। वीडियो मोड की अगर हम बात करें तो 4K में आप वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बाकी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि स्लो मोशन का ऑप्शन भी आपको दिया गया है, सुपर स्लो मोशन हालांकि यहाँ पर नहीं है। 8 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है जिसका फील्ड ऑफ व्यू 119 डिग्रीज है, तो ये भी काफी अच्छा दिख रहा है फोन में। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी दिया गया है। मैक्रो लेंस का आपको अलग से ऑप्शन दिख जाएगा।
सेल्फी शूटर की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर आपको फोन में देखने को मिलेगा। अगर इसके वीडियो क्वालिटी की बात करें तो फुल HD में आप सेल्फी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो Realme में भी आपको कैमरा सेक्शन काफ़ी अच्छा मिला है। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है तो नॉट बैड एट ऑल। हालांकि आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोगों को सैमसंग के कैमरास बेटर लगते हैं, तो इसके हिसाब से आपको जज करना पड़ेगा कि आपको कौन से ब्रांड के कैमरास ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। हालांकि ऑन पेपर दोनों का ही कैमरा जो इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं, दोनों का ही काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब आखिर में बात करते हैं बैटरी की। तो दोनों ही फोन्स में कैसी बैटरी दी गई है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी M21 की अगर हम बात करें तो 6000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, भारी भरकम जूसी बैटरी है। लेकिन डिसअपॉइंटिंग पार्ट इज 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, तो चार्ज होने में हालांकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। Realme 6 की वहीं बात करें तो 4300 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी, जो Samsung Galaxy M21 से हालांकि कम है। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग है 30 वॉट का फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट। तो अब देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स Samsung Galaxy M21 के आगे हैं और कुछ पॉइंट्स Realme 6 के आगे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस। तो Samsung Galaxy M21 जो है GST के बाद, हालांकि दोनों ही फोन्स का प्राइस बढ़ गया था, बट अब Samsung Galaxy M21 आ रहा है 13,199 की कीमत पर। जी हाँ, फ़ोन का प्राइस बढ़ने के बाद दोबारा कम कर दिया है कंपनी ने। Realme 6 की अगर बात करें तो इसका प्राइस बढ़ गया है, तो 13,999 की कीमत पर आपको Realme 6 मिलेगा। तो प्राइस से हटकर आप देख सकते हैं कि कुछ फीचर्स गैलेक्सी M21 के अच्छे हैं और कुछ फीचर्स Realme 6 के अच्छे हैं। जैसे कि आपको गैलेक्सी M21 में सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल रही है, वहीं Realme 6 में आपको 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया जा रहा है। अगर कैमरा की बात करें तो Samsung Galaxy M21 आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रहा है। जो अगर फ्रंट शूटर की अगर हम बात करें तो 20 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर आपको Samsung Galaxy M21 में मिलेगा, वहीं Realme 6 में आपको देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, लेकिन सेल्फी शूटर यहां पर 16 मेगापिक्सल का है। तो फीचर्स के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फ़ोन आपको ज़्यादा पसंद आया, और ये कॉमेंट करके भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एज आई ऑलवेज से, यू नो द ड्रिल। This is Vandita Vashisht saying goodbye.